अभिषेक जोशी एंड सोनिया जायसवाल गेव द इंटरव्यू फॉर देयर अपकमिंग महाराष्ट्र फैशन एंड डांस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन मुंबई ऑन 9th एंड 10th ऑफ जून. स्पीकिंग टू मीडिया, अभिषेक सेड दैट ही इज ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट विद द हेल्प ऑफ हिज स्पॉन्सर लाइक गोल्ड जिम एंड मेक माई ट्रिप, एंड हिज पर्पस इज टू प्रमोट न्यू टैलेंट हु आर बेसिकली फ्रॉम अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड हु आर अनएबल टू गेट एनी मीडियम टू शोकेस देयर टैलेंट. ऑन अदर हैंड, सोनिया जायसवाल सेड शी हैज वर्क विद अ कोरियोग्राफर लाइक टेरेंस लुइस एंड शी अंडरस्टैंड द पेन ऑफ चैलेंज फ्रॉम एस्पायरिंग टैलेंट इंडिविजुअल. नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक जोशी है. मैं अभी मिस्टर महाराष्ट्र का टाइटल जीता था लास्ट ईयर. अभी मैं मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया और मिस नॉर्थ इंडिया का जूरी मेंबर हूँ और इवेंट मैनेजमेंट कर रहा हूँ पिछले 7 सालों से. हम लोग इस आइडिया के साथ अभी आए थे MFDF करके. MFDF जो है वो है महाराष्ट्र MP फैशन एंड डांस फेस्टिवल, जिसमें हम लोगों ने बच्चों के लिए फ्री ऑडिशंस रखते हैं हर साल, उन्हें एक नया एक्सपोजर देते हैं और किसी भी तरह की पार्शलिटी या कुछ भी नहीं होता इसमें. हम लोग बच्चों को फ्री पोर्टफोलियो देते हैं और उनको फ्री सेलिब्रिटी इंटरेक्शन देते हैं, सेलिब्रिटी फ़ोटोशूट होता है उनका, उनका खाना पीना रहना सब हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है. और हमारे जो भी स्पॉन्सर्स हैं जैसे कि मेघदूत है, मेक माई ट्रिप है, गोल्ड जिम है, तो ये सब लोग भी आगे परफॉर्म करवाते हैं और इनकी हेल्प से हम लोगों ने आज तक आगे बढ़े. और अब हमारा नेक्स्ट सीज़न जो है सीज़न 3 वो मुंबई में होने वाला है. तो मुंबई में 10 तारीख को है इसका ग्रैंड फिनाले और उसके लिए ग्रूमिंग सेशन भी हम लोग ही देने वाले हैं उनको. और पिछले साल का जो हमारा विनर भी था मध्य प्रदेश डांसिंग रॉक स्टार, वो लविश करके था, वो एक गरीब किसान का बच्चा था. मतलब हमारे शो में किसी भी तरह की पार्शलिटी नहीं होती, जो भी होता है जिसकी भी मतलब पोटेंशियल है वही जीतता है हमारे शो में. जज तो वैसे अभी डांस क्रूज तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए हमने D+ के जो फाइनलिस्ट थे ? क्रू, उनके लीडर सरवन ठाकुर को बुलाया है. और सोनी जायसवाल है जिन्होंने कथक किया है BA में, जो टेरेंस लुइस धर्मेश के साथ पहले काम कर चुकी है. और अमिता भानुशाली जो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुद रह चुकी है. और 2-3 सेलिब्रिटी गेस्ट आएंगे वहाँ पर. और जो शो होगा इसमें टाइटल है सीज़न 3 में मिस्टर एंड मिस मुंबई और महाराष्ट्र डांसिंग स्टार करके है. हम लोग उनका कॉन्फिडेंस और उनका एटीट्यूड देख के उनको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकी की चीज़ें तो हम खुद उनको प्रोवाइड करते हैं. और उनका जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उनका मन साफ होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, कि अगर टाइटल जीते और वो प्लेटफॉर्म मिले तो उनमें वो घमंड या वो गलत लाइन ना पकड़ ले वो लोग, जो कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली होता है. अभी तो पहले हमारा सीज़न 1 महाराष्ट्र में हुआ था, फिर हमने MP में किया, अब वापस से हम लोग ने मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज़ किया है. लेकिन अभी बात यह है कि हमको इसको और आगे बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्सपोजर देना है और उनको आगे बढ़ाना है. और मतलब जो शो है इसका भी अच्छे से नाम करेंगे और बच्चों का और भी बड़ा नाम करना है हमको.